आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन की दो और टीमों पर स्पेशल स्वॉट एनालिसिस के साथ भैया मैं आपके समक्ष हाजिर हूं और बात होगी आज यहां पर ऑरेंज आर्मी सनराइजर्स हैदराबाद टीम एंड उनके बाद भैया रजवाड़े ऑफ राजस्थान राजस्थान रॉयल्स दो बेहतरीन टीमें स्क्वाड किस तरीके से हुआ है शेप अप क्या है भैया इन टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आईपीएल 2022 में डिस्कस करेंगे मजा आएगा दोनों टीमें एक्साइटिंग टीमें इंटरेस्टिंग टीमें तो बहुत प्रेम से आराम से हम आगे बढ़ेंगे और उतने ही प्रेम के साथ या फिर थोड़ी सी यहाँ पर गुस्से के भी साथ आप जैसे चाहे वैसे करें लेकिन सब्सक्राइब करें मतलब उसमें थोड़ा सा मुक्का वुक्का आपको जो देना है दीजिए सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए एंड साथ ही साथ एक्साइटमेंट को अपने एकदम जनरेट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बातचीत हो यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि ऑरेंज आर्मी के बारे में। तो भैया 2021 का साल आपके लिए उतना अच्छा गया नहीं, बहुत सारी चीजें थोड़ा सा उसमें रिफ्ट भी थे, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, परफॉर्मेंस भी नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, अब नई शुरुआत देखिए, हर एक नया दिन ना एक नया सूरज उगता है तो भैया नई शुरुआत होती है। 2022 है, मेगा ऑक्शन जा चुका है और आप अपनी टीम के साथ सामने आ चुके हैं। अब ऐसे में है आपके पास आपका पूरा एक नया स्क्वाड, एक नई टीम और क्या कुछ यहां पर शेप अप हुआ है उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके बिगेस्ट 22 की तरफ चलें तो भैया इन्होंने ना मतलब पहला ही नाम बड़ा सरप्राइजिंग है, निकोलस पूरन, उनके पीछे आपने लगाए 10.75 करोड़, देन वॉशिंगटन अति सुंदर फॉर 8.75 करोड़ एंड देन राहुल त्रिपाठी पर आपने 8.5 करोड़ रुपए लगा दिए एंड राहुल त्रिपाठी तो चमक रहे हैं भैया, तो इनके पीछे तो इतने पैसे वैसे भी लगने वाले थे और ये थी इनकी बिगेस्ट बाइज। अब चलते हैं इस टीम के स्ट्रेंथ की तरफ, स्क्वाड को ध्यान में रख के देखिए, ये टीम ना एक ऐसी टीम है जो हमेशा से अपनी गेंदबाजी पर ना ये पैसे लगाते हैं, लुटाते हैं, अपनी गेंदबाजी को मजबूत बनाते हैं। तो इस बार भी इस टीम ने कोई डिफरेंस नहीं, अपनी गेंदबाजी के स्ट्रेंथ पर काम किया और बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों पर, भारतीय गेंदबाजों पर निवेश किया गया है। इसके अलावा जो इनकी स्ट्रेंथ बेसिकली इंपॉर्टेंटली मैं देख रहा हूं वो ये है कि इसके पहले आपका जो बॉलिंग थी वो भले अच्छी थी, बेहतरीन आपके पास वैराइटीज थी, फिर भी लैक ऑफ पेस आपके लिए इशू रहता था, मतलब वो तेज गति नहीं आपके लिए आ रही थी। इस बार इस टीम ने काम किया, देखिए उमरान मलिक को आपने रिटेन किया एंड देन यू आल्सो बॉट कार्तिक त्यागी, तो युवा खिलाड़ियों पर आप पेस पर अच्छी पेस गति के साथ निर्भर करेंगे और ये आपके टीम के लिए अच्छी स्ट्रेंथ साबित हो सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है जो दूसरी स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इस बार इन्होंने ना 3 क्वालिटी बॉलिंग ऑलराउंडर्स के विकल्प को रखा है भैया और विदेशी खिलाड़ियों का नाम है उसमें, रोमेरियो, शेफर्ड, शीन एबॉट एंड मार्को जैनसन। तो कहीं ना कहीं आपने जो वो आपके साथ इशू आता था ना लोअर मिडिल ऑर्डर में, फिर वो बल्लेबाजी कोलैप्स कर जाती थी, वो आपके लिए दिक्कतें बन जाती थी, तो इस पर आपने इस साइकिल में काम करने की कोशिश की है एंड उम्मीद ये है कि इस बार आपको सफलताएं भी मिल सकती हैं। इसके बाद बात करूं यहां पर इनके तीसरे बिगेस्ट पॉजिटिव को लेकर तो ये है कि भैया निकोलस पूरन, मतलब देखिए बड़ा एक्साइटिंग नाम है, आपने इन पे सबसे ज्यादा पैसे लगा दिए, कुछ क्रिटिसिज्म भी है तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। अब हाल फिलहाल में जो मैं बड़ा पॉजिटिव देख रहा हूं उसको मैं स्ट्रेंथ पे जरूर मेंशन करूंगा क्योंकि पूरन इस आईपीएल के लिए ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपर और विस्फोटक बल्लेबाज, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और हाल फिलहाल में वो धीरे धीरे करके स्लोली बट श्योरली अपने टच को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इनका टच में आना मतलब वो वही बात है, टच में ही आ रहे हैं, फील आपको हो रहा है भैया, बिल्कुल यहां पर ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव, बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। खैर दोस्तों स्ट्रेंथ की तो यहां पर बातचीत हो गई है, थोड़ा सा वीकनेस की तरफ आगे चलते हैं। वैसे स्ट्रेंथ में आप एक चीज जोड़ सकते हो कि इनके पास कप्तान केन विलियमसन है और वीकनेस में देखिए मैं जो पहली वीकनेस यहां पर देख पा रहा हूं ना वो ये है कि इनके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर की कमी है, फिर चाहे वो भारतीय हो चाहे ओवरसीज हो, इनके पास टॉप क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। तो इनको इस बार वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस गोपाल और कुछ ऐसे ही पार्ट टाइमर से पूरे आईपीएल में काम चलाना पड़ेगा जो इनके लिए दिक्कत बन सकती है। देखिए मैं वॉशिंगटन और श्रेयस को पार्ट टाइमर नहीं बोल रहा हूं और जो विकल्प है उनकी बातचीत कर रहा हूं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिक्कत है। राशिद खान आपकी टीम से गए, उनकी रिप्लेसमेंट में श्रेयस गोपाल मिले, देखिए सच बात है जो मतलब बिल्कुल सही बात मैं बोलूंगा, वो लेवल में आपका बहुत डिफरेंस आ गया, तो वो सारी चीजें आपके लिए इशू बन सकती है, आपकी वीकनेस है। दूसरी वीकनेस जो मुझे नजर आ रही है वो है भैया भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म एंड नटराजन की फिटनेस, ये आपके लिए कंसर्न हो सकता है। एंड उसके बाद जो रोमारियो शेफर्ड है ना उनकी थोड़ी सी एक बुरी आदत है जो आपके लिए बहुत बुरी खबर बन सकता है, वो ये है कि वो थोड़े से रन्स लीक कर जाते हैं। तो भैया रन्स पर ना देखो आपको पता है रन्स तो वैसे भी तिजोरी होते हैं, उनको तो बचा के रखना चाहिए, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी वीकनेस, थोड़ा सा इश्यूज देखने पड़ सकते हैं। एंड देन आल्सो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी इसकी वजह से, इन सभी चीजों की वजह से वो युवा खिलाड़ियों पर जाएगी, जैसे उमरान मलिक हो गए, फिर से कार्तिक त्यागी, तो अगर सीनियर्स अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं तो फिर यंगस्टर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी एंड ये भी आपके लिए एक अच्छी खासी वीकनेस साबित हो सकता है। एनीवे भैया जब आप यहां पर वीकनेस की तरफ देख रहे हो ना तो इसी में से अपॉर्चुनिटी भी तो निकाल सकते हो, मतलब देखिए हर गलत में से ना कुछ सही हो जाता है, घड़ी भी ना दो बार तो सही समय दिखाई देती है 24 घंटे में, तो वही बात है अपॉर्चुनिटीज भी आप यहां से यही निकालोगे कि क्योंकि आपके पास बहुत मेन स्पिनर्स अब वो नजर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है पार्टिकुलरली फॉर वॉशिंगटन सुंदर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी
वेरी बिग अपॉर्चुनिटी अपने स्पिन डिपार्टमेंट को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट काम का काम यहां पर करने के लिए। और इसके अलावा जो मैं एक चीज और देख रहा हूं ना, इस टीम की डिपेंडेंसी मुझे युवा खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है। जैसे मैंने बात की उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, अभिषेक भी रहेंगे एंड देन वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस गोपाल, और तो मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं देख रहा हूं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ऑब्वियसली युवा खिलाड़ियों के लिए। लेकिन क्या ये थोड़ा सा टेंशन का भी सबक हो सकता है, वो तो देखना रहेगा। लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए मुझे ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है सभी युवा खिलाड़ियों के लिए। और ऐसे में बात करूं यहां पर मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट हैदराबाद टीम के थ्रेट्स के बारे में, तो भैया एक ही थ्रेट मैं देखता हूं लेकिन जो बहुत ही सीरियस थ्रेट है वो ये है कि अगर आप केन मामा यानी कि केन विलियमसन की तरफ देखते हो ना, तो आपके टीम के कप्तान है, बहुत बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, लेकिन क्योंकि हाल फिलहाल में वो इंजरी से जूझ रहे हैं, हम सभी लोग को पता है एल्बो इंजरी है, वो कब तक रिकवर होंगे कब तक नहीं, और अगर ऐसे में खुदा ना खास्ता उनकी इंजरी की वजह से वो कुछ भी मुकाबले मिस करते हैं तो आपके टीम के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर मुझे मिडिल ऑर्डर में ना खोखला नजर आता है, फिर मुझे मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। तो केन विलियमसन आपके मिडिल ऑर्डर की जान, आपकी शान है एंड उनका आपके लिए लगातार खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। मुझे लगता है ओवरऑल टीम काफी अच्छी नजर आ रही है, अगर केन विलियमसन, निकोलस पूरन अच्छे तरीके से खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर भी दुरुस्त रहेगा और गेंदबाजी में भी इस बार आपने स्पीड गन्स पे भी और साथ ही साथ अच्छे पेसर्स पर आप हमेशा निवेश करते हो आपने किया है। स्पिन टू विन का जो लफड़ा है वो मुझे थोड़ा सा यहां पर सीरियस लफड़ा इस टीम के लिए नजर आ रहा है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस गोपाल जैसे प्लेयर्स को यहां पर स्टेप अप करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना पड़ेगा। तो ये बात रही यहां पर हैदराबाद टीम के बारे में। लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि भैया अभी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 इंटरनेशनल श्रृंखला चल रही है और ये मेरे लिए ना मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है। पहले तो भारतीय टीम जीती भी पहला T20 इंटरनेशनल और उसके बाद माई 11 सर्कल पर हमने आपने जो फैंटेसी 11 बनाई थी और मैंने आप लोग को @DrKrikPoint हमारे टेलीग्राम पर शेयर किया था ना, ये देख लीजिए भैया स्क्रीनशॉट है, मतलब जहां भी आप देख लीजिए आपको पता है कि जितने भी कॉन्टेस्ट में हमने पार्टिसिपेट किया था हर एक कॉन्टेस्ट में हम जीते हैं और जितने लोगों ने मतलब जो हमारे टेलीग्राम की जनता है उन्होंने भी वो सेम 11 बनाई थी ना, हम लोगों ने मिलकर बातचीत करके भैया रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड मिला है। और आपको पता है कि भैया जो यहां पर फर्स्ट विनर है ना मेगा कॉन्टेस्ट का, उसे तो महिंद्रा थार और 2,00,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब आई मीन इट जस्ट अमेजिंग, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है भैया, मैं तो खेल रहा हूं, हम तो जीत भी रहे हैं लगातार, आप भी अगर ऐसा चाहते हो तो जो एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, वहीं से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अब मैंने कई बार बताया कि क्यों वहां से करो, वहां से करते हो तो आपको पता है 10% के बजाय 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक आपको फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलता है, आपको यहां पर बड़े सारे ऑफर्स मिलते हैं। तो ऐसे में फटाफट से डाउनलोड करो और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड T20 इंटरनेशनल ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 हम वहीं पर जाकर आराम से बिंदास एकदम बनाएंगे। और इसके बाद हम बात करें यहां पर रजवाड़े वाली टीम राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में और देखते हैं कि भैया इनका स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है। तो सबसे पहले बिगेस्ट बाइस इस टीम की क्या है, देखिए प्रसिद्ध कृष्णा पर्ना, मतलब ये खिलाड़ी बिल्कुल प्रसिद्ध हो गया और इन्होंने 10 करोड़ ग्रैब किए राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से। एंड फिर सिमरन हेटमायर, इनको राजस्थान ने कहा कि हम करेंगे आपको एडमायर, आ जाइए हमारी तरफ आ जाइए, 8.5 करोड़ रुपीज उनके पीछे एकदम लुटा दिए। चलिए और ऐसे में अब इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है भैया, ये डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एक्साइटिंग टीम, इन्होंने अपने टॉप 4 ओवरसीज 5 मिनट में खरीद ली भैया, रिकॉर्ड बना दिया। खैर यहां पर स्ट्रेंथ की बातचीत करते हैं, क्या है इनकी स्ट्रेंथ, टीम के पास मिक्सचर है एक्सप्लोसिव एंड टॉप एंकर बैट्समैन का। जैसे आप नाम देख लो, यशस्वी जायसवाल, जॉस द बॉस बटलर, देन देवदत्त पाडिकल जो थोड़ा बहुत एंकर करेंगे, स्पिन को अच्छे से खेलेंगे, एंड देन संजू सैमसन एंड सिमरन हेटमायर। तो ये मुझे एक्सपीरियंस के साथ साथ युवा खिलाड़ियों का और जैसा मैंने बताया डिस्ट्रक्टिव एंड साथ ही साथ सपोर्टिव ये मिक्सचर नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर में और ये काफी अच्छी खबर है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि हर बार इनके लिए मतलब अगर आप पीछे के सीजन को थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये टीम ना लफा मारती थी फिर आउट हो जाते थे, फिर वो दिक्कत थी भैया इस बार, लेकिन शायद उस पर आपने काम करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मैं दूसरी स्ट्रेंथ इस टीम की देख रहा हूं वो ये है कि इस टीम ने ना देखी ये बहुत बड़ी खूबी है कि इस टीम ने इस बार अपने स्पिन डिपार्टमेंट, स्पिन टू विन पर काम किया है। इन्होंने समझा है कि भैया अगर आपको भारत में ना अच्छे से उपजना है, खेलना है, बड़ा करना है कुछ टूर्नामेंट में तो आपको स्पिनर्स मजबूत चाहिए। तो इस बार इन्होंने निवेश किया चहल एंड अश्विन पर और मुझे लगता है ये भारत के इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंडियन लेग एंड ऑफ स्पिनर हैं रिस्पेक्टिवली। तो मुझे लगता है यहां पर राजस्थान रॉयल्स टीम आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यहां पर आपने भैया बेहतरीन काम किया। इसके बाद जो मुझे यहां पर तीसरी स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो ये है कि इनके पास ना अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को आप देखो बैकअप के तौर पर, तो राशि वेंदर, दूसरेन, डैरल मिशेल हैं आपके स्क्वाड में, जिससे ये मालूम पड़ता है कि आपके स्क्वाड पर ना जो बैकअप ऑप्शन हैं विदेशी प्लेयर्स के वो भी काफी बेहतरीन है। तो कहीं ना कहीं आपने यहां पर अपने विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों में कुछ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रखे और बहुत ही बेहतरीन बैकअप को भी तैयार करने की कोशिश की। और जब आप वीकनेसेस की तरफ जाते हो ना तो क्लियरली नजर आता है कि आपकी वीकनेस सबसे ज्यादा बीच में ही नजर आ रही है। आप देखो यहां पर नंबर 6 एंड नंबर 7 पर पोटेंशियली जो
मुझे नजर आ रहे हैं अभी वो रियान पराग है एंड जिमी नीशम है, और इन खिलाड़ियों को आपको आप इन स्पॉट्स को फिल करने के लिए देखोगे, तो क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं, क्या यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, मुझे लग रहा है हो रही हैं। और फिर आप ये सोच सकते हो कि चलो जिमी नीशम को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर नेथन कुल्टर नाइल को रखेंगे, गेंदबाजी मजबूत करेंगे, बल्लेबाजी नहीं लोअर ऑर्डर में, तो यहाँ पर मतलब जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी दिक्कत करेगा, और ये मुझे यहाँ पर अच्छी खासी वीकनेस इस टीम की नजर आ रही है। और उसके बाद डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी आपके लिए हमेशा से दिक्कत का विषय रहा है, 2021 में भी था, 2022 में भी मुझे वो अच्छे नाम नहीं नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। ट्रेंट बोल्ट जरूर है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, लेकिन डेथ ओवर्स की गेंदबाजी नहीं समझ में आ रही। और इसके अलावा जो मुझे एक और चीज यहां पर इस वीकनेस में मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो मुझे लगता है कि जैसा मैंने बताया वो बैलेंस की बात ना फंस जा रहा है आपका, कि जो गेंदबाजी आपकी यूनिट है नीचे उनमें भी कोई आपके लिए हिटर नहीं है बॉलिंग के साथ, मतलब तो ऐसे में आपकी जो टेल है वो भी बड़ी बन जाती है। अब टेल बड़ी बन जाती है तो फिर आप ऑलराउंडर को इंक्लूड करने की कोशिश करते हो, फिर वहां पर सोचते हो कि नीशम को लाएं, कुल्टर नाइल को ले आएं, तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपके लिए वीकनेस बन सकती है, यानी कि कुल मिलाकर मुझे लगता है ये साइड लैग करेगी अपने कॉम्बिनेशंस को सेटअप करने में, बट होपफुली कि शायद ऐसा ना हो। एनीवे दोस्तों बातचीत करते हैं यहां पर अपॉर्चुनिटीज को लेकर, तो जैसा मैंने बताया कि होपफुली ऐसा ना हो, वही मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि संजू सैमसन बींग अ कैप्टन, बींग अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर, और जिस पर इस फ्रेंचाइज ने बहुत ट्रस्ट दिखाया है, मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन मौका होगा उनके पास। इस बार इस टीम के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार इस टीम के पास काफी बेहतरीन प्लेयर है, तो मुझे लगता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी संजू सैमसन के लिए कि वो टीम को कैप्टन मतलब कप्तानी तो करें ही और लेड बाय एग्जांपल करें, कि देखिए मैं आपको टेंशन मत लीजिए, भले हमें थोड़ा इशू नजर आ रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारे पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, हम टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, जीत सकते हैं। मुझे लगता है ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है इस टीम के लिए, और अपने जो इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज करें। इसके अलावा दोस्तों जो एक थ्रेट मुझे इस टीम के लिए नजर आता है, और यहां पर आप ध्यान देना, जैसा मैंने बताया यहां पर जो है डेथ ओवर बॉलिंग को लेकर, तो बहुत लोगों के मन में शायद ये जो है जहन में आ रहा होगा कि यार ओबेड मुकाया तो है, वो तो सबसे बेहतरीन विकल्प है यहां पर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए, आपके स्क्वाड में भी है, बिल्कुल है, लेकिन वो खेलेंगे कैसे? फिर से वही इंबैलेंस की बात आती है कि वो खेलेंगे कैसे, आप उन्हें प्लेइंग 11 में डालोगे कैसे, प्लेइंग 11 में डालोगे? तो जैसा मैंने बताया कि आपके लोअर ऑर्डर में टेलेंडर्स मुझे काफी लंबे नजर आ रहे हैं, उसमें एक और नाम ऐड हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपके लिए दिक्कत है। और फिर वो विदेशी खिलाड़ियां स्लॉट इन करने की प्रक्रिया, ये थोड़ा सा थ्रेट है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये रहा हमारा सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स टीम पर स्वॉट एनालिसिस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो ना भैया, तो थोड़ा सा लाइक वाइक करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड माय लेवल सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूले, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।